अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब। तो मैं आज जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पिक करने। मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई थी, तो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करवाई है। इसको मेथड के रिम्स लगवाए हैं 17 इंच और कूपर डिस्कवरी कूपर के इसके टायर्स हैं। इसकी ग्रिल भी चेंज करवाई है। ये ग्रिल सिर्फ ये गल्फ कंट्रीज में आती है 2018 मॉडल में। पहले ये 2017 मॉडल है, तो इसको स्टॉक लगी थी। ये लाइट्स के ये इसका बाकी सारा सामान पड़ा है स्टॉक, और स्किड प्लेट्स भी इसकी चेंज की हैं। ये टायर बड़े हैं ना, तो वो फिर बम्पर को भी टच करते थे, तो ये भी मेन चीज थी। बाकी डेजर्ट में जब ये गाड़ी, तो मैंने स्पेशल डेजर्ट के लिए तैयार करवाई है। ये इसका सारा सामान है। ग्रिल इसके अंदर है, नहीं तो मैंने आपको दिखानी थी, आपको शायद पता हो कि इसकी स्टॉक ग्रिल कैसी है। मैं फोटो उसके लगाऊंगा पहले कैसी थी। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये बम्पर मैंने खुद कस्टमाइज करवाया है, डिजाइन बंदे ने दिखाया था, लेकिन ये लाइट जो है ये खुद मैंने ऐड करवाई है। ये बाकी स्पोर्ट्स नंबर लगवाऊंगा यहाँ पे, ये यहाँ से चेंज हो जाएगी। और बाकी ये ग्रिल मैंने चेंज करवाई है। इसके 17 इंच मेथड के रिम्स हैं और डिस्कवर ये कॉपर के इसके टायर हैं, और ये गाड़ी मैंने डेजर्ट के लिए तैयार करवाई है। इसकी सस्पेंशन भी चेंज करवाऊंगा। अभी ये इसके अंदर हाइड्रोलिक्स है ना, तो अभी ये अपनी मतलब हाई पे है इसकी हाइट इस टाइम, लेकिन ये जब 30 से एक्सीड करती है ना स्पीड, तो वो फिर अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर डेजर्ट में मसला होता है। ग्राउंड क्लियरेंस तो वैसे काफ़ी है, लेकिन ये हाइड्रोलिक खुद नीचे आ जाती है ना ऑटोमेटिकली जब 30 से स्पीड एक्सीड होती है, तो उसकी वजह से फिर मुझे इसकी सस्पेंशन भी चेंज करवानी है। और बस यही है, इंशाल्लाह भी आगे जाके इसका और भी काम करवाऊंगा। ये बाकी पीछे से तो स्टॉक ही है। इसको भी ट्यून भी करवाऊंगा, इसकी स्टेज 2 की, उसमें तकरीबन 40-50 हॉर्स पावर गेन होगी। और फिर बाद में इसका क्या कहते हैं, इसको एग्जॉस्ट भी लगवाऊंगा कट ऑफ, क्योंकि दुबई में ऐसे उस चीज़ का फाइन है। इधर अगर आप की कोई नॉर्मल गाड़ी और उसमें दुबई में आपने एग्जॉस्ट लगवाया, तो उसका फाइन होता है, तो फिर ऐसे के कट ऑफ में लगवाऊंगा। उसका ये होता है कि बटन से आप उसका साउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, तो वो लगवाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा जो भी इसकी इंशाल्लाह अपडेट्स हुई। तो सस्पेंशन भी मैं तकरीबन 2-3 दिन तक लगवा लूँगा, तो तब भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन सी कंपनी की मैं सस्पेंशन लगवा रहा हूँ।
इसका इंटीरियर तो बिल्कुल स्टॉक है, बाकी ये लेदर खराब हो गया, यहाँ पे अल्कंटारा लगवाना है मैंने और ये वुड की जगह मैंने कार्बन फाइबर लगवाना है। ये बाकी यहाँ पे भी कार्बन फाइबर, ये वुड, ये भी कार्बन फाइबर और ये जितना भी मतलब के मेटेलिक है ना वो सिल्वर कलर है, ये सारा मैंने कार्बन फाइबर करवा देना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैंने अपनी लेक्सस में स्टार रूफ लाइट लगवाए, तो इसका मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बस ये रूफ इसकी ब्लैक करवा दूँ, अल्कंटारा लगवा दूँ रूफ पे। और मैंने आपको बताना था कि आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर भी किया करें और मुझे बताया करें कि मुझे कैसी व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या मैं आपको दिखाऊं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे आप कहते हैं मैं उस चीज़ की वीडियो बनाऊँ। स्पॉन रूम गाइस, तो कैसे आप सब, तो आज मैं आया हूँ गाड़ी की सस्पेंशन चेंज करवाने के लिए। गाड़ी मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये गाड़ी कल मिलनी है, क्योंकि मैं आज लेट आया हूँ तो 8 बज गए, शॉप की क्लोजिंग टाइम है, तो इसलिए अभी ड्रॉप करके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह सुबह गाड़ी मिल जाएगी। तो मैं आपको सस्पेंशन भी दिखाता हूँ। इसका बाकी सस्पेंशन चेंज करने का मेन रीज़न था कि इसके अंदर हाइड्रोलिक्स है तो हाइट एडजस्टमेंट कंट्रोल होता है, तो लेकिन जब डेजर्ट में जाते हैं ना तो मैं जब गाड़ी की स्पीड 30 से एक्सीड करता हूँ तो गाड़ी नीचे आ जाती है, तो फिर वो टायर जो हैं वो ऊपर बॉडी को लगते हैं, तो इसलिए फिर सस्पेंशन चेंज करवाने, क्योंकि ये लॉक भी नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से ये अभी ये सस्पेंशन लगवा रहा हूँ मैं प्रोफेंडर, तो मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा कि इसका क्या चेंज करवाता हूँ। बाकी इसका मैंने कुछ इंटीरियर का भी काम करवाना है, वो भी इंशाल्लाह जब ये कल, तो गाड़ी लेट ही मिलेगी, कल तो नहीं होगा काम, लेकिन हाँ इंटीरियर का कल तो नहीं होगा लेकिन फिर परसों करवाऊंगा, परसों या 2-3 दिन बाद करवाऊंगा। इनका मेन काम सस्पेंशन का है, तो सस्पेंशन वगैरह ये चेंज करते हैं, तो अभी हम चलते हैं कहीं खाना खाने। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज हम आ गए हैं गाड़ी पिक करने के लिए, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, तो ये हमारी गाड़ी है, ये शॉक्स फिट हो गए हैं, सस्पेंशन पूरी, तो इसके अंदर एडजस्टर भी है, एडजस्टर से इसके ऊपर नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, तो जब हम रोड पे होंगे तो नंबर 1 सेलेक्ट करना है, उसके साथ गाड़ी कंफर्टेबल चलेगी, और जब डेजर्ट पे जाना है तब नंबर 4। तो गाड़ी आगे से लिफ्ट भी हुई है, बाकी इसका पुराना सारा सामान, बाकी पुराने स्प्रिंग्स और सस्पेंशन सारी इसके अंदर, तो अभी इसके नंबर प्लेट भी मैंने चेंज करवानी है, तो वो कल इंशाल्लाह करवाएंगे। ये इसके अंदर हाइट कंट्रोल था, हाइट कंट्रोल, लेकिन ये अब ऑफ हो गया, ये नहीं अब हम यूज कर सकते, तो बस यही मेन रीज़न था जो मैंने क्या कहते हैं ये सस्पेंशन चेंज करवाई, क्योंकि जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो ये गाड़ी की जो सस्पेंशन थी वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम 30 से स्पीड एक्सीड करते हैं तो ये क्या कहते हैं गाड़ी नीचे आ जाती थी, तो उसकी वजह से जो टायर है वो उसे बॉडी को टच करता था, तो इस वजह से फिर मैंने बोला चलो सस्पेंशन चेंज करवाते हैं, नहीं तो जो ओरिजिनल होते हैं फैक्ट्री वो भी अच्छी होती है, काफ़ी लोग वही मतलब के तकरीबन 2-3 साल चला लेते हैं, ज़्यादा भी चल जाती है, मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि लोग काफ़ी वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं स्टॉक, लेकिन इसका हाइड्रोलिक की वजह से ना
मसला आता है। तो इसका बाकी मैंने ये स्टार रूफ लगवाऊंगा या फिर कुछ और भी आगे जाके काम करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। शायद मैं व्लॉग यहाँ पे ही एंड कर दूं या फिर मैं भी मैं किसी और चीज़ का भी दिखाऊं, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अगले व्लॉग में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।